विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। भारत की राजधानी दिल्ली से मोहम्मद इम्तियाज अंसारी और राजकुमार धनवारिया समाज सेवक जी ने देशवासियों को मुहर्रम पर्व का संदेश दिए कि मुहर्रम यह एक गम का त्यौहार है और आज के दिन हसन हुसैन के याद में यह त्यौहार मनाया जाता है और उनको दिल से याद करते हैं और इबादत भी करते हैं। वही इम्तियाज अंसारी और अब्दुल हमीद फाउंडेशन के राष्ट्रीय महासचिव ने वीर अब्दुल हमीद को भी दिल से याद किए और बोले कि मैं उन्हें सलाम करता हूँ। देश के परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद जी का आज 54वां शहादत दिवस है। इस मौके पर राजकुमार धनवारिया जी समाज सेवक ने कहा कि सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन जवानों को मेरा तहे दिल से सलाम। दिल्ली में काफ़ी शांतिपूर्वक से मुहर्रम मनाया गया और सभी लोग काफ़ी अच्छे तरीके से खेल दिखाए और हसन हुसैन को याद किए। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी हुसैनी रंग से रंगे हुए थे और या अली या हुसैन का नारे लगा रहे थे। इसी बीच पुलिस की आवाज़ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गगन सिंह और दिल्ली टीम लीडर मोहम्मद अशरफ उपस्थित थे। इसे मोहम्मद अफरीदी के साथ कैमरामैन लकुश कुमार की एक खास रिपोर्ट। जो वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के राष्ट्रीय महासचिव इम्तियाज अंसारी जी, आज बताइए जो मुहर्रम है इसके बारे में आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मुहर्रम जो है ये हमारे हुसैन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला ने का शहादत का दिन है। आज उनकी शहादत हुई। इस पे गौर करना चाहिए कि ये गम का त्यौहार है हम लोगों का, ऐसा नहीं कि कोई खुशी का है। ज़्यादातर देखा गया कि ढोल बाजे ये सब बजाते हैं, ये सब पे थोड़ा ये करना चाहिए। और क्या नाम है, जितने जुलूस वगैरह निकलते हैं उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि शांतिपूर्ण जुलूस को ये करें और ये ध्यान रखा जाए कि आज जो है हमारे हुसैन का, तमाम शहीदों शहीद करबला का जो है शहादत का दिन है, रस्मी तारीख है। आज उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ये करें, ध्यान दें और उसी हिसाब से मनाएं। जो त्यौहार है उसका जो सही मीनिंग है उस पर गौर करें। आप वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के राष्ट्रीय महासचिव है, आज वीर अब्दुल हमीद जी का शहादत दिवस भी है, इस मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं? आज वीर अब्दुल हमीद जी का 54वां शहादत दिवस है पे मैं उनको बहुत सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। 1965 के जंग में जो शहादत उनकी हुई, ये उनको भुलाया नहीं जा सकता है। बहुत बड़ी कुर्बानी है। आज शहादत दिवस के मौके पे कई जगह उनका प्रोग्राम हो रहा है, पटना के इलाके तक नमन करने और काफ़ी सही कर रहे हैं, प्रोग्राम करके इसको मैसेज दे रहे हैं। देखिए, शायद इतनी बड़ी कुर्बानी दिया उन्होंने देश के लिए और हम सब लोगों को ये चीज़ मालूम होना चाहिए, हम लोगों को भी इसी तरह से देशभक्ति का जुनून होना चाहिए। जी, हमारे बीच उपस्थित है राजकुमार जी। राजकुमार जी, आप मुहर्रम के मौके पर आज जो त्यौहार मनाया जा रहा है इस मौके पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं राजकुमार धनवारिया, जो छतरपुर के बीच में मांडी गांव पड़ता है, मैं वहाँ से हूँ और मैं सभी भारतवासी लोगों को इस मुहर्रम के महोत्सव पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई इस चीज़ की कि जो हमारे महापुरुष थे उन्होंने हमें कुर्बानी दी और कुर्बानी देते हुए हमारे देश की और हम सब की रक्षा की। तो आज ये ऐसा कह सकते हैं कि ये कोई खुशी का दिन नहीं है, लेकिन हमें उन लोगों को याद करने का दिवस ज़रूर है कि जिन लोगों ने कुर्बानी दी थी और जिनकी वजह से आज हम बहुत ही अच्छे माहौल में और अच्छे तरीके से जी रहे हैं। तो मैं मेरे परिवार की तरफ से आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप इस दिवस को, इस दिन को पूरी शांतिपूर्वक मनाएं ताकि कोई पूरे भारतवर्ष में किसी को नुकसान ना हो और ये त्यौहार का भी महत्व और इसका एक जो जानकारी है वो हर बंदे तक, हर लोगों तक पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद।